सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आप सभी ओम चंद्रमासो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रादो युष्माणश्च मुख नगरे राजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनः योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम् तलवार से कटाई अब पुष्प अर्पण बाबा के फोटो पर ओम उसके बाद पुष्प अर्पण प्रेम से बोलिए महाराणा अधिराज श्री हर्षो ब्रह्म देव की नमः पार्वती पतये हर महादेव। अब कार्यक्रम का आगाज करने से पहले सर्वप्रथम वैदिक मंगलाचरण फेरते हुए यहाँ पे मौजूद तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे गार्जियन, तमाम मेरे नौजवान साथियों, एक तरफ दाहिने साइड में बैठे मेरे कलाकार भाई, मेरे प्रेस के भाई और तमाम साथीगण, मैं अपनी ओर से हमारे साथ तमाम साथियों की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, फिर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चूंकि पटना से चल कर सीधे मैं यहाँ पे आया हूँ, समय 7:30 था, मैं कोशिश किया कि समय से पहुँच जाऊँ। बार बार मुझे बड़े भाई हीरा सिंह यादव जी, बड़े भाई मुन्ना गिरी जी, भाई कबीर जी, साहेब जमा जी, ये लोग फोन कर रहे थे कैसा तो नहीं क्या देर कर देंगे, घर का मामला है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेट जी आइएगा तो निश्चित तौर पर घर का मामला है, डांट के सुनिएगा। मैं पटना से जब चला हूँ कहीं बीच में रुका नहीं, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, चूंकि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं इतना कहूंगा चूंकि आपके बीच का आपका भाई हूँ, साथी हूँ, आप सब का किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई लगता हूँ, किसी का चचा लगता हूँ, वो दिन मैं भूला नहीं हूँ जब मैं संघर्ष कर रहा था। तमाम आप सब लोग अपनी ऊर्जा को लेकर मेरे साथ चल रहे थे, एक संकल्प लिए थे परिवर्तन का, कभी मैं भाई को लाऊंगा, जमाखा को लाकर यहाँ का तकदीर और तस्वीर बदलूंगा, ये आपने संकल्प लिया था, वो दिन को हम लोग भूले नहीं है। मेरे जो सहयोगी साथ चलते हैं उनके भी जज्बा को सलाम करता हूँ, जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा चलकर मेरे साथ चलने का काम किया। एक रोज की बात है, मैं चल रहा था, हमारे छोटे भाई शुक्र सिंह कुशवाहा जी कहे भैया थोड़ा आराम भी कर लीजिए, मैंने कहा आराम नहीं करना है, जो मैंने संकल्प लिया है, संकल्प लेकर जो मैं चला हूँ, मैंने कसम खाया है जो शक्ति मुझे मिली आप लोगों के आशीर्वादों के बदौलत, जमा खा रुकेगा नहीं, आपके विकास में सब को तैयार रहेगा, जितनी शक्ति होगी मैं आपके लगा दूंगा। आपके बीच में कहना चाहता हूँ, चूंकि आपके घर का मैं हूँ, मैं और जगह जाता हूँ, मेहमान बनता हूँ, मैं मेहमान नहीं बना हूँ, मैं मेहमान नहीं हूँ, चूंकि आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, अगर मैं सदन में पहुंचा, अगर मैं मंत्री बना, अगर दुनिया जानती है कि आपके आशीर्वाद आपके संघर्ष के बदौलत ये जानती है, ऐसे नहीं।